तो अगर आपको बियर वगैरह यहाँ से लेनी है तो बियर के प्राइजेज हैं, मतलब चीज़ें थोड़ी सी महंगी वैसे हैं यहाँ पे, जो नॉर्मली कोको कोला या तो फिर डेयरी मिल्क वगैरह होती है वो थोड़ी यूजुअल प्राइस से थोड़ा सा ज़्यादा है उनका, जो इंडिया में प्राइस भी होता है। हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, मैं अभी सुपरमार्केट जा रहा था यहाँ पे कुआलालंपुर में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी यहाँ के सुपरमार्केट दिखा देता हूँ कि यहाँ पे प्राइजेस क्या क्या होते हैं, मतलब आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि जो मलेशिया है वो कितना एक्सपेंसिव है या फिर चीप है। तो अभी यहाँ की मार्केट चलते हैं सुपरमार्केट, और जो यहाँ पर डेली नेसेसिटी की चीज़ें होती हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या प्राइस होते हैं उसके। उससे पहले मैं आपको यहाँ करेंसी दिखा देता हूँ कि किस डिनोमिनेशन में यहाँ के नोट्स होते हैं। सो सबसे पहला नोट है 1 रिंगिट का, जो कि है लगभग 18 रुपये तक का। यह 5 रिंगिट्स, 10 रिंगिट्स, 20, 100, इसमें एक 50 रिंगिट्स का भी होता है, और बाकी ये कॉइन्स होते हैं 5 सेंट्स, 20 सेंट्स, 10 सेंट्स, 50 सेंट्स। सो ये डिनोमिनेशन है, तो आप बस इसको मल्टीप्लाई करना 17 से, तो आपको इसका वैल्यू पता चल जाएगी एक नोट की। तो अभी चलते हैं सुपरमार्केट और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या प्राइसेज हैं यहाँ पे रोज़मर्रा चीज़ों के। तो गाइस, इस तरीके के स्टोर आपको हर जगह मिल जाएंगे कुआलालंपुर में। तो अभी चलते हैं अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ कि चीज़ों के प्राइसेज कितने कितने हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वाटर बॉटल के प्राइसेस कितने हैं। तो जो वाटर बॉटल है इसके प्राइस है 3 रिंगिट्स, इस वाटर बॉटल की प्राइस है 3 रिंगिट्स, मतलब कि लगभग 60 रुपीज़। जो ये वाली वाटर बॉटल है इसके प्राइस है लगभग 2 रिंगिट, मतलब कि लगभग 40 रुपये, और इसका है 3.5 रिंगिट बड़ी वाली वाटर बॉटल का। ये चॉकलेट्स वगैरह यहाँ पे 2.5 रिंगिट की होती है। स्निकर्स 4.5 रिंगिट्स। जो मैगी है यहाँ पे, मैगी का छोटा वाला पैकेट नहीं आता, सिर्फ बड़े वाला पैकेट होता है जो 5+1 मतलब 6 होता है, और 5.5 रिंगिट्स, 5.5 रिंगिट्स बोले तो लगभग 110 रुपये के आसपास। एक और ये वाली मैगी आती है जो थोड़ा डिफरेंट होती है, और बाकी चीज़ों के प्राइजेज मैं आपको दिखाता जाता हूँ, आप अपने आप देखते जाना। 2.9 रिंगिट्स, तो चिप्स वगैरह यहाँ पे, और 2.7 रिंगिट्स। तो अगर आपको बियर वगैरह यहाँ से लेनी है तो बियर के प्राइसेस हैं 42 रिंगिट्स में ये पूरा पैकेट है, 36 रिंगिट्स में ये वाला पूरा पैकेट है, और 10 रिंगिट्स में एक ये वाली कैन है। बिस्किट्स वगैरह 2.9 रिंगिट्स। ये सारी चीज़ों को मैं आपको प्राइस दिखाता जाता हूँ, आप देखते जाना। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल अंडे नहीं मिलते, अंडों की ट्रे मिलती है जो कि है 5.9 रिंगिट्स की ये वाली ट्रे। वैसे यहाँ पे यहाँ पे डक के और कोयल के अंडे, मतलब बर्ड के अंडे भी मिलते हैं, वो दूसरी शॉप में मिलते हैं, वो मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाता हूँ।
कोको कोला की कैन है 3.9 रिंगिट्स की, मतलब लगभग 80 रुपीज़ की। मतलब चीज़ें थोड़ी सी महंगी वैसे हैं यहाँ पे, मतलब जो नॉर्मली कोको कोला या तो फिर डेयरी मिल्क वगैरह होती है वो थोड़ी यूजुअल प्राइस से थोड़ा सा ज़्यादा है उनका, जो इंडिया में प्राइस होते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे। तो डेयरी मिल्क जो यहाँ पे फ्रूट एंड नट है वो है 3.7 रिंगिट्स की। तो इंडिया में ये थोड़ी सी सस्ती मिलती है यहाँ के कंपैरिजन में। तो मैं ही सिर्फ ये वाली चॉकलेट डालता हूँ और चलता हूँ अभी यहाँ से। तो ये वाली किटकैट है, ये इसका क्वालिटी मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रही है, बट 1.8 रिंगिट। तो ऐसी कुछ प्राइसिंग है, मैंने आपको सब दिखा दिया। बाकी आप इसके कंपैरिजन में आइडिया ले सकते हैं थोड़ा सा कि और चीज़ों का प्राइसिंग कितनी होगी। और बस मैंने आपको यही दिखाना था और अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो चलता हूँ अपने हॉस्टल की तरफ वापस और बाय बाय, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। बाय बाय। तो इस वाले स्टोर में मैंने आपको दिखाना था कि यहाँ पे डक के और मतलब बर्ड्स के अंडे मिलते हैं। तो ये वो स्टोर है जिसमें डक के अंडे हैं और ये अंडे हैं कोयल के। एक बार मैं बाहर भैया से पूछता हूँ कि ये वाले अंडे किसके हैं, क्योंकि ये वाले पूरे ब्लैक हैं। This is duck egg? Yeah. Duck? Okay. No. You want? No. Huh? I was just okay. Recording for a video. Okay. तो ये डक के अंडे हैं 3.85 रिंगिट्स के, और जो कोयल के अंडे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने रिंगिट्स के हैं। ये 3.7 रिंगिट्स, ये 3.7 रिंगिट्स के हैं। तो ऐसा कुछ है, अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे सारी अवेलेबल होती हैं, जो चीज़ें इंडिया में अवेलेबल होती हैं उसके सब्स्टिट्यूट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।